लड़के ने हमें दोबारा मिलवाया। तुम्हें इसकी मदद करनी होगी अलादीन। कौन बताइए? चाचा मीर। चाचा मीर उठो। क्या वो गद्दार थे? क्या उन पे लगाए हुए इल्जाम सच है? वफादार वफादार है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं स्टोरी में, यहाँ पे फाइनली आज क्लियर हो चुका है, पता चल चुका है कि उमर गद्दार नहीं थे। उन्होंने कोई ऐसा धोखा नहीं किया, कुछ भी गलत काम नहीं किया। जो भी आज तक उनके नाम ख़राब करते रहे लोग, वो सब गलत था। तो एक बहुत बड़ा एक रिलीफ मिला है कहीं ना कहीं अलादीन और उसके परिवार को। गद्दारी का जो ये इल्ज़ाम था वो सर से हटा है। सो दे आर वेरी रिलीव्ड राइट नाउ। सच्चाई चूंकि जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ पे मीर जो चाचा हैं वो उन्होंने आधी अधूरी कोई बात बताई, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बताया कि वो गद्दार नहीं थे। लेकिन एट द सेम टाइम वो उनकी सांसें चूंकि उखड़ रही थीं, आखिरी सांसें गिन रहे थे, और वो कहीं ना कहीं इतना बताने के बाद उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन हाथ में एक चाबी रह जाती है जो कि एक नेक्स्ट क्लू, एक नेक्स्ट चेज को कंटिन्यू कराने का एक निशान है। सो अब हम आगे देखेंगे कि आगे क्या चीज़ है उस चाबी से, और कितने बंद दरवाजे और कितने बंद राज खुलते हैं वो हमें आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। काफ़ी इमोशनल ट्रैक चल रहा था। जी हाँ, नुसरत आपा अलादीन को फोर्स कर रही थी पूछने के लिए, लेकिन वो पूछ नहीं पा रहे थे, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, मतलब अभी चूंकि मीर चाचा और नुसरत आपा, जैसे आपने देखा, बहुत अरसे बाद मिल रहे हैं। इनफैक्ट 20 साल बाद आपस में मिल रहे हैं। ये पहले एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और आज 20 साल बाद जब मिले हैं तो किस्मत ने, कुदरत ने ऐसा खेल रचा है कि जिसमें मीर चाचा अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत दुखदायक था और बहुत ही इमोशनल सीक्वेंस है। सो ये बहुत ही, आपने देखा होगा कि सब रो रहे हैं, काफ़ी गमगीन माहौल है। इस समय शूट में भी कहीं ना कहीं सब लोग बहुत सीरियस हो चुके हैं, बट वी आर देयर टू चिल आउट एवरीवन। मैं व्यूअर से यही बोलना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रल टंडन, आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता है कि आप हमारे शो को यूँ इतने प्रेम मोहब्बत से देख रहे हैं, बस यूँ ही इतने प्यार से हमारे शो को देखते रहें और अपना प्यार बरसाते रहें। अलादीन नाम तो सुना होगा, मंडे से फ्राइडे रात 9 बजे ओनली ऑन सब TV।